हेलो गाइस स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्र नंबर फोर्टी टू जो कि क्लास के लिए है विषय आपका विज्ञान है डेट है इसकी बाईस अगस्त अक्टूबर दो आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे आज हम बल तथा गति के नियम संवेग संरक्षण का नियम के बारे में पढ़ेंगे इस नियम के अनुसार दो वस्तुओं का संवेद का योग टकराने से पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है जबकि उन पर कोई असंतुलन बल कार्य ना कर रहा हो या दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय संरक्षण करता है इसके अनुसार गोली और बंदूक का संवेग गोली छोड़ने से पहले विराम अवस्था शून्य में होता है और गोली छोड़ने पर बंदूक गोली पर बल लगाकर उसे त्वरित करती है उसी समय गोली भी बंदूक पर विपरीत दिशा में बल लगाकर उसे त्वरित कर देती है जिसकी वजह से जो कुल संवेग होता है वो शून्य यानी संरक्षित रहता है यानी पहले भी शून्य विराम अवस्था में भी शून्य था और संवेग में भी शून्य रहता है अब संवेग संरक्षण के नियम के लिए समीकरण माना कि दो गेंद आपको दे रखी है एक ए और बी जिसका द्रव्यमान ए का एम ए है और बी का एम बी है एक सरल रेखा दिशा में दिशा में वेग कमर्श यू ए अब उसका वेग क्या है ए का यू है और बी का यू बी है गति करी है पर उन पर कोई असंतुलित बल कार्य नहीं करता अब हमने माना कि यू ए हमारा यू बी से बड़ा है तो तीस वो वह तीस समय में एक दूसरे के को टकराती हैं यानी जो बॉल ए है वो दूसरी तो बॉल से टकराती है गेंद ए बी पर एफ बी ए बी पर बल लगाती है और गेंद बी ए पर एफ बी ए बल लगाती है और टकराने के बाद दोनों क्रमशः बी ए और वी बी बन जाती हैं अब गेंद ए का संवेग टकराने से पहले टकराने के बाद एम ए और यू ए था पहले और टकराने के बाद एम ए और वी ए हो गया गेंद बी का संवेग टकराने से पहले एम बी यू बी था और टकराने के बाद एम बी वी बी हो गया अब गेंद ए के संवेग में परिवर्तन की दर क्या थी या फिर क्रिया बल एफ ए बी टकराने से के समय एम ए वी ए माइनस यू ए अपॉइनमेटी वी ए बड़ा था तो उससे टकरा गया इसी प्रकार गेंद बी के संवेग में परिवर्तन की दर प्रतिक्रिया यहाँ पे क्रिया और प्रतिक्रिया बल एफ बी ए टकराने में समय एफ वी वी बी माइनस यू बी अपमेटी अब गति के तीसरे नियम के अनुसार गेंद ए और बी के द्वारा बी पर बल लगाया एफ ए बी तथा गेंद बी के द्वारा ए पर बल लगाया गया बल के एक दूसरे पर बराबर विपरीत होंगे एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए या फिर हमारा एम ए वी ए माइनस यू ए अपॉन अपॉर्मिटी और एम बी माइनस वी वी माइनस यू बी अपॉर्नमे टी तो एम ए और यू ए प्लस में एम बी और यू बी इज इक्वल टू हमारा एम ए वी ए प्लस में एम बी वी बी इससे हम पाते हैं कि टकराने से पहले गेंद ए और बी का कुल संवेग और उनके टकराने के बाद कुल संवेग बदलता है ना ही या संरक्षित रहता है अब यहाँ पे स्वयं को जाती संवेग संरक्षण का नियम लिखिए पहला प्रश्न है आपको तो आप इसे करेंगे दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने से पहले तथा टकराने के बाद बराबर होता है जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य ना कर रहा हो दूसरा प्रश्न है हवा से भरे गुब्बारों की हवा निकलने पर वह तेजी से इधर उधर क्यों भागता है तो गति के तीसरे नियम के अनुसार दो वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर समान या विपरीत दिशा में बल लगाती है इसलिए जब हवा निकलती है तो वह गुब्बारे को पीछे की तरफ धकेलती है इसलिए वो इधर उधर भागता है तीसरा प्रश्न है रॉकेट में आग लगाने पर वह तेजी से ऊपर की ओर क्यों उठता है तो आप इसका आंसर करेंगे रॉकेट का एक एक प्रकार का वाहन है जिसके उड़ने का सिद्धांत न्यूटन की गति के तीसरे नियम क्रिया तथा बराबरी विपरीत प्रतिक्रिया पर आधारित है तेज गति से गर्म वायु को पीछे की ओर फेंकने पर रॉकेट को आगे की दिशा में समान अनुपात का बल मिलता है चौथा प्रश्न है दिए गए संवेक समीक्षण संरक्षण के समीकरण को पूर्ण कीजिए तो एम ए और एम बी यू बी और एम ए वी ए और वी बी और यू बी एम बी और वी बी हो जाएगा आपका पांचवा प्रश्न है स्थान है गेंदों के टकराने पर गेंद ए और बी पर लगाया गया बल एफ़ ए बी तथा गेंद बीब के द्वारा लगाया गया ए पर बल एफ बी ए एक दूसरे के समान और विपरीत होंगे तो एफ बी ए और समान विपरीत आप फिल कर लेंगे आज की जो आपकी वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग डि बाय बाय गाइज़